बट इतनी जल्दी आएगा ये नहीं पता, लेकिन अब आ गया है। छोटा मोटा सारा माल मैंने थैली में भर दिया, हेलमेट वगैरह, मतलब वाला रूम मैंने प्रॉपर तरीके से खाली कर दिया है। वो वाला रूम क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्सप्लेन करेंगे क्यों कर रहे हैं ऐसा। आई नो यू गाइस वंडरिंग कि राघव एक और बड़ा स्टेप क्यों, मतलब घर भी पहले बाइक से अलग कर दिया, अब घर छोड़ रहा है वाला क्यों। मैंने एक रेजोल्यूशन लिया था एवरी मंथ ट्रैवल, व्यू था कि मैं 2021 को ऐसे देख रहा हूँ कि हर मंथ की पहली तारीख को मैं ट्रैवल पे जा रहा हूँ। मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, और इंटरनेशनली अच्छा लगता है कि भाई साहब तुम इंटरनेशनल जा रहे हो, बाइक वगैरह लेके नहीं जा सकते, लेकिन जो इंडिया है, इंडिया को घूमने के लिए तुम बाइक और कार लेके जा सकते हो। अब कार भी मैं सोच रहा था कार लेके जाऊंगा, बट कार में मेरे को बहुत ज्यादा नींद आती है, तो इट्स टू डेंजरस फॉर मी। और ज़्यादातर मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे लिए आई थिंक सो बाइक ही बेस्ट रहेगी ट्रैवल के लिए। तो सबसे पहली बात है बाइक लेनी है। बाइक लेने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर से बढ़ जाएंगी, जो है उसको पैम्पर करना, उसके लिए सामान वगैरह लेके आना, क्योंकि अब तो ट्रैवल मैं बाइक जो भी ले रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल के लिए ले रहा हूँ। जी 900 तो फिर भी मैंने जो होता है ना टोरा कि भाई सुपर बाइक लेनी है वो ले ली, तो इसलिए इस घर को कहना पड़ेगा अलविदा। अभी तो भाई इतनी सी एज है मेरी और मैं इतनी चीज़ें कर रहा हूँ, अभी तो बहुत कुछ देखना है, बहुत चीज़ करना है। लेकिन जो अब राइड्स आने वाली हैं वो होने वाली है भाई साहब 1 month राइड कम से कम, और मान के चलो 20 दिन से तो ऊपर ही होने वाली है वो राइड, हमने आपको फटीक करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा जब एक एक महीना राइड जानी है और सामान पूरा अप डाउन, इधर पार्किंग ऑलरेडी है नहीं, तो इससे बेटर यही है कि भाई साहब शिफ्ट कर लो। ओके सो यहाँ पे मैंने इसकी जो इसको क्या कहते हैं सनमाइका निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे तुषार जी ने कलाकारी, उन्होंने अपनी मतलब समझो लड़कियों का नाम लिख दिया उन्होंने मेरे टेबल पे परमानेंट मार्कर से, जो कि आपको दिख रहा है। फिर मैं टो भी दिया, कब भाई ये तो मैं फिर भी कर लेता, लेकिन ये क्या किया है। तो अब मेरे को सनमाइका पूरा हटवा रहा हूँ, न्याय लगेगा ऑफकोर्स सी बात है। भाई मैंने सब माना, सबका सब माना कि मेरा चैनल वेरीफाइड है, कोई नहीं मेरा अब दिखा रहा होगा, मैंने मानी, लेकिन 30,000 लाइक, व्हाट द 30,000 लाइक एक कमेंट पे, भाई सब बहुत बड़ी बात है, हैरानी हो रही है। 30,000 लाइक साला वीडियो में आ जाएगा, रोज मजा आ जाएगा, मगर सुपर बाइक के खेलूंगा। ओके सो ये आखिरी रात है मेरे इस घर पे, और बता नहीं सकता इतने सारे मूवमेंट्स हैं। मतलब मयंक मेरे साथ रहा है यहाँ पे 2-3 हफ्ते, और उसके बाद प्रियांश रहा है मेरे साथ, और नितिन के साथ भी इतनी सारी यादें हैं। वो दोस्तों बहुत कम मिलते हैं, बट उनकी यादें रह जाती हैं, और वो यादों को मैं पीछे छोड़ने वाला हूँ इस घर के साथ। जो ये जो महीने थे ना 6-7-8 जितने भी महीने थे, ये मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट महीने थे। मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करा, मैंने अपने आप को जाना, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में कितना मतलब जैसे कहते हैं ना कितना भरा हुआ है, कि मैं किस लायक हूँ, मैं अकेले रह सकता हूँ अगर मैं कहीं पे जाता हूँ या नहीं। हाँ मैं घर वापस शिफ्ट हो रहा हूँ, मेन रीज़न है पापा की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, जो कि सबसे मेजर रीज़न है वापस जाने का। सेकेंड रीज़न ये है कि बाइक लेनी है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, तो मैं अलग खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम प्लानिंग फॉर अ बिग राइड। बिग राइड का मतलब यहाँ पे है महीनों की राइड, महीनों की राइड से यहाँ पे मेरा मतलब है मतलब मान के चलो बहुत खर्चा, बहुत ज़्यादा खर्चा, पेट्रोल से लेकर रहना, रहने से ज़्यादा खाना पीना का खर्चा, तो ये घर वेस्ट जाएगा। टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा टाइम बीता मेरा इस घर में, और मतलब ये कहते हैं ना मी टाइम, पूरा का पूरा मी टाइम, दिन का लोग मी टाइम निकालते हैं, मैंने पूरा का मी टाइम निकाला। कल सुबह आएंगे, ये लकड़ी का सामान टेबलें वगैरह सारी चली जाएंगी, मिलते हैं आपसे सुबह। डन, आधे से ज़्यादा शिफ्टिंग हो गई है, मतलब सामान वापस चला गया, वापस ही बोलूँगा क्योंकि वो ओल्ड घर सारा हट गया है, सारा मामला आपको दिख रहा है। और बाकी ये अब रॉड रखनी है वापस, आई एम डैम टायर्ड, अब जिम हो गया मेरा अच्छा खासा, तो ये देख लो यहीं पे हमारा बेड था, जो कि
और यहीं पे हमारा पंखे थे, हेलमेट रखे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम बिताया मैंने यहाँ पर। एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इतना अच्छा टाइम बिताऊँगा अकेले, बट अकेले टाइम जो बिताया ना, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस लवली लवली होम। लाइटें और जला देते हैं आखिरी बार। ओके सो लास्ट शॉट, दिस इज द लास्ट फकिंग शॉट जो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, फिर से बना लेंगे कोई बात नहीं, फिर से लगा लेंगे कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे हम एक नया घर जिसे कहते हैं ना अपना नए घर पे लगाए अपना। ये तो रेंट पे था, तो ज़्यादा नीचे हेलीकॉप्टर नहीं जा रहा, ये तो रेंट पे था लेकिन बहुत जल्द अपने खरीदे हुए पे लगाए सब चीज़ें। आई विश, हाँ कितने इमोशनल मोमेंट्स आएंगे मेरी लाइफ में पता नहीं, बट बहुत ज़्यादा आ रहा है। बाय बाय बालकनी, टाइम टू से गुड बाय टू दिस ऑल्सो। ये प्रियांश का है, उसको बोल दूँगा भाई उठा ले जब मर्जी।